हेलो फ्रेंड्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल्स के एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्जाम, यानी किसी भी एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वी स्टार्ट न्यू टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम ये जानना है कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग है क्या, कहते किस, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं नेचर में जो काम अट्रैक्शन का होता है, हम कहते हैं कि नेचर में जो काम अट्रैक्शन का होता है, फिजिक्स में जो काम फोर्स का होता है, वही काम केमिस्ट्री में बॉन्ड का होता है, ठीक है। यानी जो काम नेचर में अट्रैक्शन करता है, फिजिक्स में फोर्स करता है, वही काम केमिस्ट्री में बॉन्ड करता है, ठीक। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है बाइंड सब, मतलब क्या हो गया? होल्डिंग टुगेदर, यानी एक साथ बांध कर रखने वाले को क्या करते हैं? बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बांध, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करें। इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत ही अलग और बहुत ही इजी, आप एक बार में इसे याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है? नेचर में अट्रैक्शन, फिजिक्स में फोर्स और केमिस्ट्री में बॉन्डिंग। आपको क्या करना है? इसे सीरियली याद रखना है, 1, 2 और 3, ठीक। देखिए इसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं। बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए यहां पर अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन से अट्रैक्टिव आ रहा है और ये क्या है? फोर्स है। यानी बॉन्ड क्या हो गया? बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यानी क्या है? बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स करता क्या है, ठीक है? कह रहा है बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच, जो क्या करता है? विच बाइंड्स अप, ध्यान दीजिए, 1, 2 and 3, अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स अप, जो क्या करता है? बांधने का काम करता है। विच बाइंड्स अप, अब बांधने का काम किसको करेगा? चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिकल स्पीसीज होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, हाँ। तो यानी केमिस्ट्री में बांधना किसे है, अट्रैक्ट किसे करना है, जोड़कर किसे रखना है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, केमिकल स्पीसीज को, ठीक है। हेंस वी कैन डिफाइन इट ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स अप टू और मोर केमिकल स्पीसीज to each other is called chemical bonding। इसे हम chemical bonding का नाम देते हैं, ठीक। लेकिन अगर question arise होता है कि आखिर chemical bonding होता क्या, ठीक है, why we need chemical bonding, हमें chemical bonding की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहला question तो ये why we need chemical bonding। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हाउ डू केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे, व्हाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर टू ईच अदर एंड देन इट फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देम। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं। तो आखिर जो है केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, ठीक है, व्हाई दे एटम्स कम टुगेदर टू ईच अदर, एटम्स जो है आपस में आपस में कंबाइन क्यों करता है, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाई वी नीड केमिकल बॉन्डिंग, हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों होती है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब
types of attractive force which binds two or more chemical species to each other, that is called chemical bonding. लेकिन अब क्वेश्चन ये राज हो रहा है कि why we need chemical bonding? हमें chemical bonding की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है? तो इसका आंसर देखिए क्या है? सबसे पहले to gain a stability, stability को gain करने के लिए, ठीक है? Stability को gain करने के लिए, और हम कह सकते हैं यहाँ पर for gaining a stable inert gas configuration, ठीक है? कहा जा रहा है यहां पर कि केमिकल बॉन्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है? तो याद रखना है यहां पर कि टू गेन अस्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना, या फिर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एंड टू गेन अस्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और अब जानते हैं यहां पर कि अस्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कि वी हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड देन इन दिस वे वी कैन गेट अस्टेबिलिटी, और तब हम इस तरह से क्या करते हैं, अस्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई वी नीड केमिकल बॉन्डिंग, हमें केमिकल बॉन्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सबसे इजी आंसर क्या होगा, टू गेन अस्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, या हम कह सकते हैं यहां पर कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, गेन करने के लिए। और अगर हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो इससे स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है? और इसी कारण हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का यूज करते हैं, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी कैन फाइंड द स्टेबिलिटी, वी कैन फाइंड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और इस तरह से हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब कह रहे हैं यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द केमिकल स्पीशीज के बीच के पोटेंशियल एनर्जी को कम करके भी, हाँ, हम लोग स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है? और ये सब पॉसिबल किसके कारण होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग के कारण पॉसिबल होता है, ठीक है? तो चलिए पहले अब ये देखते हैं कि आखिर हम ये तो हम जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करके, कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेट कैसे करेंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल करके, है ना? और इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक है ना? और इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है? लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज एमजी एच, एमजी क्या हो गया, फोर्स एच क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है? यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहा है, एफ इनटू एस, ठीक है? बर्डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस, और हम जानते हैं यहां पर कि एनर्जी क्या है, ठीक है? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनटू एस, हां, या हम कह सकते हैं एमजी इनटू एच, एमजी इज इक्वल टू एफ और एच इज इक्वल टू डिस्टेंस एस, ठीक है? अब देखिए यहां पर, अब यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, केमिकल स्पीशीज के बीच, और उस केमिकल स्पीशीज के बीच जिसके बीच बॉन्डिंग हो रहा है, जिसके बीच बॉन्ड आपस में बन रहा है, ठीक है, जो अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है। तो अब सोचिए यहां पर स्टेबिलिटी जो गेन होगा वो कैसे होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर करके, चाहे ना चार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, या चाहे तो आपस में शेयरिंग करके, हाँ, और इस तरह से ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है, ठीक है? तो यानी इन सभी केस में जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का रहा है ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का रहा है शेयरिंग हो रहा है, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ये क्या होगा, मेरा चार्जेबल स्पीशीज होगा, अगर ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज, है ना? यानी ये चार्जेबल स्पीशीज होगा, और यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, और यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा,
ठीक है, चाहे डोनेटिंग केस में, एक्सेप्टिंग केस में, या फिर शेयरिंग कर रहा हो, तो ये क्या होगा, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है किसके कारण, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, है ना, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दिस एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड देन इट कैन गेन स्टेबिलिटी, और इस तरह से वो आपस में जुड़कर अपने स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। ठीक, तो अब कह रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स कौन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कैसा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हां, यानी यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनटू एस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनर्शिया। ठीक है, हाँ, अब हम जानते हैं कि ये अगर मान लिया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम जानते हैं कि इनटू q1 इनटू q2 अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक है, जहां पर q1 q2 क्या है, चार्ज, हाँ, q1 q2 क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द केमिकल स्पेस, है ना, यानी चार्ज के बीच लगते हुए फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी चार्जेबल स्पीशीज, चार्जेबल स्पीशीज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू हम जानते हैं के इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा r। ठीक है, ये r और ये r कैंसिल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, के q1 इनटू q2 अपॉन क्या होगा, r। ठीक है, q1 into q2 upon r। अब देखिए इन दोनों के रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस तो हम जानते हैं यहां पर r क्या होगा, डिक्रीज करेगा, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, PE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर इसलिए कह सकते हैं यहां पर कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस देन r क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, अब सोचिए अगर हम r डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, अगर हम r को इंक्रीज कर दें, ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेबल स्पेसेस अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर चार्जेबल स्पेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि वाई वी नीड केमिकल बॉन्डिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमें रिड्यूस कैसे करना है, तो हम कर सकते हैं चार्जेबल स्पीशीज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाकर वी कैन रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग के, है ना, हमें नीड क्यों होती है, व्हाई वी नीड केमिकल बॉन्डिंग, टू गेन स्टेबिलिटी, टू फाइंड आउट द नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, और थर्ड हम क्या कर सकते हैं, ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम रिड्यूस करके, और रिड्यूस कैसे करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेबल स्पीशीज। ठीक है, एंड इन दिस वे व्हाई वी नीड वी, है ना, ड्यू टू दिस वी नीड केमिकल बॉन्डिंग, और इन सब के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए हम, अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों होती है, केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत हमें क्यों होती है, लेकिन अब हमें जानना है हाउ डू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे, अब हमें यह जानना है। ठीक है, तो ध्यान से, अब केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से, सपोज करते हैं यहां पर कोई एटम ए है। ठीक है, दूसरा एटम क्या है, बी। यहां पर हम दो एटम ले रहे हैं, ए और बी। ठीक है, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, मतलब दोनों के स्टेबिलिटी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी फाइंड आउट होगा कैसे, ये दोनों एटम जो है आपस में क्लोज होगा कैसे, है ना, आपस में कॉन्टेक्ट करेगा कैसे, एड होगा कैसे, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि हाउ डू केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है, ना, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि वाई एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है,
आखिर ये दोनों एटम्स आपस में नजदीक में आते कैसे, ठीक है, जब तक ये कम क्लोजर नहीं होंगे तब तक क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों आपस में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास यही इराज होता है कि व्हाई दिस एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ये सब एटम आपस में क्लोज क्यों हो जाता है, आपस में नजदीक क्यों आता है, अट्रैक्ट होता है तो किस कारण से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो कह रहे हैं यहाँ पर हाउ डू केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू कंसीडर ऑन टू एटम्स, एटम ए और एटम बी, ठीक। अब जब ये एटम ए और एटम बी होगा तो हम जानते हैं कि एटम ए में निश्चित रूप से क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि एटम 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 के बीच में जो होता है सेंटर में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ये मूव करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि नाम एटम ए का जो न्यूक्लियस होगा इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहेगा, है ना। सिमिलरली इन एटम बी न्यूक्लियस आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है, यानी एटम बी में भी न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी and electrons of atom B also revolve around the nucleus. इस nucleus के चारों move करता होगा, ठीक है? तो यानी यहाँ पर जो nucleus है वो किसका है? Atom A का, ठीक है? तो इसको indicate कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया? Nucleus of atom A, nucleus of atom A, ठीक है? और ये क्या होगा? Nucleus of atom B, nucleus of atom B, ये है आपका nucleus of atom A. हाँ, जबकि ये क्या है, ये आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और ये क्या है इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं, यानी जो जिस एटम के बीच हमें केमिकल बॉन्डिंग करना है उस एटम का यहाँ पर क्या दिया हुआ है न्यूक्लियस है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। तो यहाँ पर हम एटम ए और बी ले रहे हैं, इसी कारण हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम बी और ये क्या इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है पॉजिटिवली नेचर होता है, ये क्या होता है पॉजिटिवली नेचर होता है ना, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिवली नेचर, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है निगेटिवली इन नेचर, इस पर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिवली नेचर, ठीक। आप सोचिए जब इसके पास पॉजिटिव है जब इसके पास निगेटिव है तो क्या इसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, जरूर अट्रैक्शन होगा, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन किसके बीच होगा, हाँ तो अट्रैक्शन किसके बीच होगा, तो देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या रहा है पॉजिटिवली, ठीक है, यानी कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ठीक है, अट्रैक्शन जो हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन किसके बीच होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, हां तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी इन दोनों के बीच क्या होगा एक अट्रैक्शन होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जो होगा यहां पर भी होगा, हां तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, यानी कह रहे हैं पर कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इन दोनों के बीच क्या होता है अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और इसी अट्रैक्शन होने के कारण केमिकल बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इसी अट्रैक्शन होने के कारण जो होता है केमिकल बॉन्डिंग होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ टू केमिकल बॉन्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, हां इसका आंसर हम दे सकते हैं यहां पर, इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, एंड वी कैन से न्यूक्लियस ऑफ एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ए इन दोनों के, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए इन दोनों के बीच क्या होता है अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन
ड्यू टू दिस अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग ऑफर्स, इसी कारण जो होता है केमिकल बॉन्डिंग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउ टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है, एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम बी एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन होने के कारण केमिकल बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, यहां तक समझ में। और इसी कारण जो है ड्यू टू दिस रीजन एटम्स ऑफ ए एंड एटम ऑफ बी, एटम ए एंड एटम बी कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, एंड हेंस, और इसी कारण कह सकते हैं कि हेंस एटम ए एंड एटम बी एंड एटम बी कम्स क्लोजर टू ईच अदर, कम्स क्लोजर टू ईच अदर, इसी कारण एटम ए और एटम बी जो है वो आपस में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और आपस में आकर क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग होने के बाद होता है स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो आपको ये समझ में आ गया कि इसके बीच अट्रैक्शन हो रहा है, इसी कारण क्या रहा है, एटम आपस में है ना क्लोजर हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां पर यहां अट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर रिपल्सन भी तो हो रहा होगा, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर रिपल्सन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितना रिपल्सन हो रहा है, देखिए तो कह रहा है यहां पर कि एटम ए न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इसके भी अट्रैक्शन हो रहा है, यानी यहां पर अट्रैक्शन जो हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन जो हो रहा है वो किसके किसके बीच हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी और न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, यानी यहां पर ओवरऑल अट्रैक्शन जो हो रहा है वो दो दो टाइम्स हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी और न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पर रिपल्सन भी तो हो रहा है, रिपल्सन किसके बीच हो रहा है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, हम जानते हैं सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसी प्रकार न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो रिपल्सन किसके बीच हो रहा है, रिपल्सन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होता है, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि जहां पर इक्वल रिपल्सन हो और इक्वल अट्रैक्शन हो, जहां पर इक्वल अट्रैक्शन हो, इक्वल रिपल्सन हो, वहां पर ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यह बना कि ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है उससे क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और ये ए बी मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन नेचर, और ये ए बी मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर टू टाइम्स अट्रैक्शन, टू टाइम्स रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों यहाँ पर सेम हो रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पर सेम हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन नेचर, ये मॉलिक्यूल जो है नेचर में एग्जिस्ट करेगा, यानी ये जो ए बी मॉलिक्यूल है ये बनेगा और नेचर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर रिपल्सन क्या होता है, थ्री टाइम्स हो जाता है, अट्रैक्शन दो टाइम्स हो जाता है, यानी दोनों क्या होता है, नॉट इक्वल होता है, ठीक है, यानी रिपल्सन नॉट इक्वल टू अट्रैक्शन। अगर हम मान लें यहाँ पर रिपल्सन नॉट इक्वल टू अट्रैक्शन होता, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पर कि मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट इन नेचर, वो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये समझ में आ चुका होगा कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हमें जरूरी क्यों है, why we need chemical bonding and how do chemical bonding, ठीक है। इसके अलावा why atoms come closer to each other, atoms आपस में come closer क्यों हो जाते हैं, बॉन्डिंग क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, हा? तो आज आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तब तक इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, लेकिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें और बताएं, थैंक यू।